कर रही हो बेटा? तुम्हारी कॉलेज का समय हो चुका है। कितनी देर तक लड़की सोई रहती है ना, सच में मुझे कभी कभी इसके फ्यूचर की टेंशन होने लगती है। ओहो जीन, अब बच्चे हैं, सोने दो ना तुम भी ना। नहीं, उसकी एग्जाम है, आप समझ नहीं पाते हो। टाई उठो वरना बेलन लेकर आऊंगी मैं ऊपर। उप्स, I'm sorry आंटी। Oh, I'm late. मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई क्या? जिमी? नहीं बेटा, तुम तो हमेशा जल्दी आती हो, पर ये कुंभकर्ण की औलाद है कि उठने का नाम नहीं लेती है। जीन, क्या कह रही हो तुम? ऑफ कोर्स कुंभकर्ण, आप कुंभकर्ण हो जो कि हमेशा सोते रहते हो, और वो है आपकी बेटी औलाद। सच में मैं क्या करूँ अब इन दोनों का। जाओ बेटा, जल्दी जाओ, उसे उठाओ और जल्दी से कॉलेज लेकर जाओ, आज उसका एग्जाम है। उठ जाओ। ये मॉम सुबह सुबह ऊपर से, ये जिमिन। ओहो उठ जाओ, तुम जानते हो ना कि आज हमारा एग्जाम है। तुम ऐसे कैसे सो सकते हो, इतनी लापरवाह हो तुम सच में। उठ जाओ वरना मैं तुम्हारे ऊपर पानी डाल दूंगी। जिमिन, मॉम जैसी हरकतें करना बंद कर दो, ठीक है ना? तुम जाओ। मैं मॉम जैसी हरकतें नहीं करती हूँ, हमेशा तुम करती हो, अपनी मॉम गिरी झाड़ती रहती मुझ पर। ऐसा तो लगता है कभी कभी कि तुम मेरी मॉम हो, पर नहीं, यहाँ पर तो तुम बच्ची जैसे बन चुकी हो। अब उठो बेटे, हमें जाना है, हमें लेट हो रहा है ना। रुक जाओ। 5 minutes later. आंटी आंटी, ओके बाय, हम लोग नीचे कैंटीन में लंच कर लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। ओहो ओके, मैं समझ गई हूँ। टे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय टे। ओके मॉम डैड, हो गया तो मैं निकलती हूँ, बाय। चलो जिमिन। किम टेहम नाम जिन की इकलौती बेटी और काफी लाडली लड़की, जिसकी उम्र 24 इयर्स ओल्ड है, और वो काफी बड़े शोल के यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ रही है। और जिमिन उसकी काफी चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसकी बेस्ट फ्रेंड, जिसकी उम्र उसकी लगभग 24 इयर्स ओल्ड है वो भी, और वो दोनों बचपन से ही काफी अच्छे दोस्त हैं। बताते हैं तुम्हारा एग्जाम कैसा था? ऑफ कोर्स अच्छा था, आई होप थिंक सो कि मैं इस बार अच्छे मार्क्स लाऊं। ओह अच्छे मार्क्स, तू टॉप करेंगी, टॉप। एक मिनट, हाँ डैड का फोन आ रहा है, अब भी बात करके आती हूँ। ऑलराइट, तब तक मैं ये क्वेश्चन शीट देख लेती हूँ। जिमी कैसा था एग्जाम? ऑफ कोर्स डैड बहुत अच्छा था। आपको पता है टाई ने भी इतना अच्छा एग्जाम दिया। वो हमेशा सोती रहती है, पर पता नहीं कि उसके अंदर इतना दिमाग कैसे है। वो सब छोड़ो जिमी, आई होप कि तुम इस बार टॉप करूंगी। नो डैड, इस बार तो टॉप सिर्फ टे करेंगी, ठीक है ना? बाय जिमी। पता नहीं आखिर जियान जंगकुक, जिमिन के स्टेप फादर, उसकी मॉम ने जियान जंगकुक के साथ सिर्फ पैसों के लिए वेडिंग की थी, और कुछ महीनों के बाद वो डेट हो चुकी है, पर तब भी जंगकुक ने हमेशा जिमिन का ख्याल रखा है और उसे हर एक चीज में सपोर्ट करता है, पर वो सबसे ज्यादा सपोर्ट अपनी बेस्ट फ्रेंड टीएम को करती है। ओह चलो टे, घर चलते हैं। हाँ चलो। ओह तुम्हारे घर नहीं, मेरे घर। चलो मेरे घर। नहीं मुझे तुम्हारे घर नहीं आना है। तुम जानते हो ना कि तुम्हारे डैड हमेशा चिल्लाते रहते हैं, और तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारे डैड को पसंद नहीं मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। आई डोंट नो कि डैड को प्रॉब्लम क्या है तुमसे। तुम जानते हो ना कि तुम कितनी टॉपर हो और कितनी अच्छी लड़की हो, और मैं कितनी अच्छी लड़की के साथ रहती हूँ, और तब भी डैड को इस चीज़ से प्रॉब्लम है। आई डोंट लाइक दिस। चलो मेरे साथ घर में, मैं तुम्हारे मम डैड से कह दूंगी, ठीक है? ओके। काई नहीं मान रहा है डील साइन करने के लिए। ओह तो जाकर उसका काम तमाम कर लो, ठीक है ना? उसे जान से मार डालो। ओके, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं डालता हूँ। क्या तुम्हारी बेटी जानती है कि तुम एक माफिया हो खुफिया? वो नहीं जानती शुगा, पर तुम नहीं जानते कि उसकी फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड टेयंग जानती कि मैं एक खुफिया माफिया हूँ, क्योंकि जब वो 14 साल की थी ना, तब उसने मुझे देख लिया था एक आदमी की हत्या करते हुए। प्लीज प्लीज छोड़ दो, मुझे मत मारो प्लीज। अब तू मरेगा, क्योंकि अब तूने मुझे यहाँ पर खून करते हुए देख लिया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठिकाने लगाओ तुम, मैं इसे ठिकाने लगाता हूँ।
भाग रहे हो? ओह शिट, पुलिस की गाड़ियाँ। अभी तो बच गई तुम थे, आगे नहीं बच पाऊंगी। मैं नहीं जानता कि वो अभी तक शांत है, पर मैं उसे अपनी बेटी से दूर रखूंगा। अगर वो अच्छे तरीके से दूर नहीं हुई तो मेरे पास और भी तरीके हैं। डैड, जिमी, शुगा, शुगा नहीं, अंकल शुगा कहो। कि अंकल शुगा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, और जब भी आप होते हो ना तो डैड हमेशा एंग्री दिखते हैं मुझे। आप जाओ यहाँ से। ओके जिमी, बाय। ओके बाय। डैड देखो मेरे साथ कौन आया है। टाई, आ जाओ अंदर। ओके। और टाई जंको के एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और एक सीक्रेट माफिया, और उसे एक माफिया बनने के लिए काफी कुछ करना पड़ा। और एक बार उसने सीक्रेटली एक लड़की के साथ शादी कर ली जो कि एक ड्रग डीलर थी, और उसी की बेटी जिमी ने। जिमिन बचपन से ही जंको के पास थी। जिमिन जाओ बच्चा, आराम करो, ठीक है? ओके डैड, मैं थक गई हूँ, बाय। टाइ चलो, एक मिनट जिमिन, टाइ अभी आई है तो खाना खा लेंगी और मैं तुम्हारा खाना ऊपर भिजवाता हूँ, ठीक है? नो अंकल, मैं ठीक हूँ। एक मिनट रुक जाओ, कहाँ पर जा रहे हो तुम? जिमिन जाओ तुम। ओके डैड, आ जाना टाइ, ठीक है? वेट टाइ, देखो मेरे पास। मैंने तुम्हें हजार बार कहा है कि मेरी बेटी से दूर रहा करो, तुम क्यों नहीं मानती मेरी बात? हाँ अंकल, मैं जानती हूँ, डोंट कॉल मी अंकल, ऑलराइट? मिस्टर जॉन कहो, मैं तुम्हारा कोई अंकल नहीं हूँ, अंडरस्टैंड? आप देखिए कि मैं आपके बारे में जानकर भी मैंने अभी तक जिमिन को कुछ नहीं कहा, क्योंकि आई वॉज रिस्पेक्ट फॉर यू। I promise I will never, मैं कभी नहीं बताऊंगी। और मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूं? क्यों? जंगो काफी जोरों से टेका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है और टेके निक को बाइट करने लगता है। आई नो, ये जंगो जानता है कि गलत है, पर वो सिर्फ टेम को डराने की कोशिश कर रहा था। पर टे वो तो अंकल प्लीज स्लोली। क्या नहीं, तुम यहाँ पर हर्ट कर रहा और तुम यहाँ पर मजे ले रही हो? अंकल मैंने तो बस स्लो कहा था, वो कहने कि आप बहुत जोर से बाइट ले रहे हो मेरी निक की। लिसन, आइंदा से अगर जिमिन के करीब भी दिखे ना तो ये बाइट बहुत बुरी तरीके से होंगे तुम्हारी पूरी बॉडी पर, और तुम वो सह नहीं पाऊंगी। ओके मैं जा रही हूँ। टाइ बिना जिमिन से मिले ही वहाँ से निकल जाती है। सच में मिस्टर जॉन बहुत बुरी तरीके से बाइट करते हैं। सोचो अगर वो इतनी जोर से बाइट करते मेरी निक में तो मेरी बॉडी का क्या हाल होगा। और वो तो जानते हैं अच्छे तरीके से कि उनकी बेटी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। इतनी बेस्ट फ्रेंड जो मानते हैं मुझे, आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैंने कब अपना मुंह खोला उसके सामने? अब मुझे पता है कि वो एक माफिया है सीक्रेटली, तो इसमें मेरी क्या गलती है? हमेशा मुझे ऐसे तड़पाते रहते हैं, मैं तो घबरा जाती हूँ जब वो मेरे करीब आते हैं। वैसे जिमिन के डैड काफी यंगर हैं, काफी यंग है वो। बहुत ज्यादा यंग है। हेलो टाई, मैं बोल रही हूँ। जिमिन तुम मुझसे बिना मिले वहां से कैसे जा सकती हो? मैं तुम्हारा इतना इंतजार कर रही थी, मैंने डैड से पूछा ऊपर, वो है कि कुछ बताने का नाम नहीं ले रहे, और तुम उनके मुझसे बिना मिले वहां से चले गए। आई हेट यू, तुम बहुत गंदी हो। कम ऑन जिमिन, तुम जानते हो अच्छे तरीके से कि तुम्हारे उस खड़ूस डैड को मैं बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं वहां पर आकर अपनी बेइज्जती क्यों करवाऊं? तुम जानते हो कि तुम्हारे डैड ने मुझे कितनी जोर से चिल्लाया कि तुम टाइ मेरे घर में क्यों आती हो और मेरी बेटी से दूर रहा करो? ऐसा कहा उन्होंने पता है? क्या उनकी इतनी हिम्मत? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। जिमी क्लाम डाउन। वैसे ना मैं तुम्हें एक शर्त में माफ कर सकती हूँ। और वो क्या है कि बताओ ना टे, बताओ ना। हेलो ओके, वो कहने कि मॉम डैड प्लान बना रहे, वो वेडिंग में जा रहे हमारे रिलेटिव्स के, और मैं नहीं जा रही हूँ। तुम तो जानते हो कि हमारे एग्जाम चालू है, और तू तो यही जानते है ना कि मैं इतने बड़े घर में बोर हो जाती हूँ और मुझे डर भी लगता है। ऑलराइट तो मैं आ जाऊंगी। नहीं,
वो कहने की मैं सोच रही थी कि मैं तेरे घर में कुछ दिनों के लिए रुक जाती हूँ, तू बताना। वैसे अगर प्रॉब्लम ना हो तो आई लव यू यार, आ जा तो। तू बस आ जा, डैड की फिक्र मत कर, मैं हूँ ना, सीरियसली। पर अगर तेरे डैड मुझे भगा देंगे तो नो वे, मैं डैड से आज ही बात करूंगी। 2000 years later. डैड प्लीज मान जाओ ना, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके मम्मा पापा नहीं है घर में, वो अकेली रहेंगी। आपको जानते ना कि कितने सारे लोग रहते बुरे बुरे, वो अकेली रहेंगी अच्छा नहीं लगता ना। आने दीजिए ना प्लीज डैड, प्लीज प्लीज। जिमिन मैंने तुमसे कहा ना वो इस घर में नहीं आएंगी। हेलो जिमिन, आ गई आ गई। आपका फैसला कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए डैड, और दिस इज माय लास्ट, वरना मैं भी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ कहीं चली जाऊंगी, और फिर उसके बाद जो भी हमारे साथ होगा ना उसके जिम्मेदार आप होंगे। जिमिन इस लड़की की तो, जिमिन आई एम सॉरी, मैं नहीं आना चाहती थी। अगर तुम्हारे डैड मुझे यहाँ पर रखने के लिए रेडी नहीं तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। नो वेट, उन्हें छोड़ो, चलो मेरे साथ रूम में चलो। ये रही मिस्टर काई की कुछ फाइलें, और यहाँ पर उसके सारे काले धंधों की पूरी लिस्ट रखी है। तुम देखो उसने पूरा मुंह खोल दिया अपना, ये तो मैं जानता था। बाय द वे तूने मिस्टर काई को मारने के लिए कहा था, फिर अचानक से मना कर दिया, कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़ कौन सी? एक्चुअली बात है कि मिस्टर काई की वाइफ प्रेग्नेंट है, मैं चाहता हूँ कि वो दुनिया से रुखसत होने के पहले अपने बच्चे को देख जाए, पर तब भी उसे इतना टॉर्चर करो कि वो मरने के लिए भीख मांगे मेरे सामने। गॉड, टे इधर आओ। टे हैं? अंकल मैंने कुछ नहीं सुना। तुमने सब कुछ सुना है, और तुम बहुत ज़्यादा चालाक लड़की हो, यू नो व्हाट। बाय द वे कैसी थी तुम्हारी रात भर यहाँ पर, नींद कैसे, सब पूरा तो हुआ ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर? अंकल नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ यहाँ से। जी अंकल। हे जंगकुक, ते हमारे लिए खतरा तो नहीं है ना? खतरा? खतरे का पहाड़ है लड़की, तुम नहीं जानते कि एक कमिश्नर की बेटी है, किम नामजून। व्हाट, ये मिस्टर किम नामजून की लड़की है? मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया कि टे के फादर किम नामजून एक कमिश्नर है, पुलिस ऑफिसर से भी ज्यादा बड़े वाले, और किम नामजून उसी खुफिया माफिया के बारे में तलाश कर रहे हैं जो कि जंगकुक है, और ये बात उन्हें भी नहीं पता सिवाय टे को छोड़कर। तो फिर क्या करें, इसका मार डालें? इतनी भी जल्दी क्या है, जब तक जिमिन के साथ चिपकी रहेंगी ना मैं उसे जरा सा भी कुछ नहीं कर सकता। पर डोंट वरी, इसकी छोड़ो, मैंने सोच रखा है। By the way, कुछ और तो नहीं हुआ ना? इतना ही न्यूज़ था, बाकी तुम नहीं जानते कि मिस्टर पारपुगम भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उन्होंने अपने रेड हाउस में 40 से भी ज़्यादा लड़कियों को सप्लाई किया है, और ये बात किसी को नहीं पता, हमारे खुफिया जासूस ने ये बात हमें बताई। ओह, तो अब इसके बाद उस बुगम की बारी है। सर आपने इसे इतनी बेरहमी से मार डाला, पर क्यों? इसकी गलती ये थी कि इसने छोटी सी मासूम सी लड़की की हत्या कर दी, अगर इसे बच्ची नहीं चाहिए थी तो इसने अपना स्पर्म छोड़ा ही क्यों? मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जिसे बेटे पसंद है। प्यार करना है तो दोनों से करो ना, बच्चियों को मार कर क्या साबित करना चाहता था ये? बिल्कुल सही कहा आपने, आप तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, पता है? ते, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ वो ना, मैं आपको खून करते हुए देख रही थी, अच्छा लगा मुझे आपको मर्डर करते हुए देखकर, सच में आप कहाँ पे हैंडसम दिखते हो। मतलब मैं तो बस पढ़ाई करने के लिए आई थी जिमिन के पास। बाय बाय अंकल, इससे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ओह नो, कॉलेज के लिए टाइम हो रहा है, अगर इनकी बातों में मैं घुसी पड़ी रही ना तो मेरा इस बार का एग्जाम सच में बहुत ज्यादा खराब चला जाएगा। जिमिन बाहर निकल, कितनी देर से बाथरूम में घुसी पड़ी है, निकल जल्दी, मुझे तो जानते ना कि आज मेरा पेपर है। ओ यार मेरा भी तो पेपर है, मुझे नहाने दे, तो डैड का वॉशरूम यूज कर ले। क्या
अच्छे से यही कह देना कि बिना नहाए कॉलेज चली जा। डैड का वॉशरूम यूज करूं मैं तुम्हारे। मैं कहीं और चली जाती हूँ। ओह शिट, मेरे इस वॉशरूम का शावर भी अभी खराब होना था क्या? मुझे यहाँ पर टाइम हो रहा है और ये है कि मुझे फिलहाल के लिए किसी और वॉशरूम को यूज करना पड़ेगा। उठाए जल्दी जल्दी कर, तुझे कॉलेज जाना है और मैं होगी। What the hell are you doing here? अंकल आपका क्या? तुम्हारी तो? तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। निकले यहाँ से जल्दी। Okay. 5 minutes later. ये मैंने क्या देख लिया? कितना गंदा पाप लगेगा मुझे। वैसे बहुत ज्यादा हॉट है। अब मतलब मैं तो यहाँ से चली। छी, कितना घटिया टॉस है ये। ऐसे जलाकर कौन टॉस? मतलब कुछ ढंग का ब्रेकफास्ट नहीं यहाँ पर। ये सब कुछ डैड ने बनाया है। मतलब है कि बहुत ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाया है इसमें। मैं ऑफिस जा रहा हूँ जिमी, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। और डैड, ओके चलो डे, क्या ये भी हमारे साथ आएंगी? डैड, ये मेरी क्लासमेट है, इसका भी तो पेपर है ना। ऑलराइट चलो, अच्छे से जाना ठीक है। ऑल द बेस्ट। डैड टे को भी कह दो ना, उसे भी अच्छा लगेगा। आप तो जानते ना कि उसके मामा पापा बाहर गए हैं। प्लीज डैड। ओके टाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ओके मैं तुम्हें शाम में पिकअप कर लूँगा ठीक है। ओके बाय। गुगम, हम और कब तक ऐसे ही छुपते रहेंगे? तुम कुछ करते क्यों नहीं? हाँ मैंने कुछ सोचा है और बहुत अच्छा सोचा है। यू नो व्हाट, कि कमिश्नर अगर हमारे साथ मिल जाए तो हमें कोई भी नहीं पकड़ सकता। ऑलराइट कमिश्नर, और तुम्हारे साथ कैसे मिलेगा? कोई प्लान बनाएगा इस चीज के लिए? कमिश्नर की बेटी किम टेहियंग, उससे शादी कर लूंगा और फिर उसके बाद तो उसका बाप मेरी ही सुनेगा ना। वाह क्या बात है, मानना पड़ेगा। वाह सच में आज का भी पेपर बहुत अच्छा था। क्या वहाँ आई हूँ? तू टेंशन में लग रही है। वो क्या है ना कि कल रात पूरी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और मॉम मुझसे पूछे जा रही कि मैं कहाँ पर थी। जिमी तू मुझे बचा ले प्लीज। चल वरना मेरे घर में मेरे मॉम डैड को कहना कि पूरी रात मैं तुम्हारे साथ थी, प्लीज बचा ले, इज द लास्ट। व्हाट, तो ऐसे काम कर दे क्यों? अच्छा ठीक है, डोंट वरी मैं आ रही हूँ तेरे घर में, पर ठीक आ गया होगा, वो चले जाएंगे ना। चल ना प्लीज। ओके चल ठीक है, चल तू। जिमी ने कहा था कि शाम होते होते हम यहीं पर मिलेंगे, पर ये कहाँ पर? वो क्लास से भी जल्दी से निकल गई और दिख भी नहीं रही है। मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन आप? जिमी कहाँ पर है? वो कहने कि मैं भी उसे ही ढूंढ रही थी, दिख नहीं रही है। व्हाट मतलब क्या है तुम्हारा? मैं उसे फोन करता हूँ। डैड ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं नहीं आ पाऊंगी आज रात को क्योंकि आयु के मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो हॉस्पिटल में है और यहाँ पर आयु बहुत ज़्यादा रोई जा रही है। प्लीज डैड। ऑल राइट ठीक है। डैड टेका ख्याल रखेगा। ओके अंकल, क्या कहा उसने? वो कहाँ पर है? वो एक्चुअली उसकी दोस्त आयु के मॉम की तबीयत ठीक नहीं है तो वहीं पर है, आज रात वो नहीं आएंगी। क्या आज रात वो नहीं आएंगी? व्हाट डू यू मीन? मेरा मतलब है कि क्यों नहीं आएंगी अंकल? वो क्या है ना कि मुझे रात में अकेले नींद नहीं आती है। व्हाट मतलब घर चले? ओके वेट अ टाइम, कहाँ पर जा रही हो? हाँ तुमने मुझे मना कर दिया, दिस इज रॉन्ग। देखो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? चलो मेरे साथ। यंजन मेरा हाथ छोड़ो, मुझे घर जाना है, चलो मेरे साथ। हे हु द हेल आर यू? अरे क्या कर रहे हो तुम? मिस्टर जो भी हो आप यहाँ से हट जाओ, ये हम दोनों का मामला है। इस लड़की ने मुझे मना किया है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तेरी तो तूने मुझे मारा। तू जानता नहीं कि मैं हूँ कौन। बच्चे ज्यादा जिद नहीं करते ठीक है ना, जाओ घर पढ़ना, और पढ़ेंगी ना तो सारी लड़कियों के सामने बेइज्जती हो जाएंगी। तुम्हें तुम्हें बाद में देख लूंगा। अंकल आपको चोट तो नहीं लगी ना? आप ठीक तो हो ना? वेट वेट आई एम ओके, कार में बैठो।
मेरे पीछे पड़ा है, मैं उसे प्यार नहीं करती हूँ, पर वो है कि मानता ही नहीं है। और I'm sorry अंकल, आपने पूछा भी नहीं और मैं आपको बस बताए जा रही हूँ। बट तो तुम किससे प्यार करती हो? वो एक्चुअली प्यार का तो नहीं, पर हाँ आपसे प्यार जरूर करने लगी हूँ, उस इंसान से जो कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का डैड है। प्लीज आप जानते हो कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है ना? आप तो मुझे मारने वाले हो ना, तो ऐसे मार डालो अपने बाहों में। डैड आइंदा से ना ऐसी बातें मेरे सामने की ना तो मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। मैं तो जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ, मुझे आप पसंद हो। थोड़ी देर के बाद दोनों ही जंकुक के घर में पहुंच जाते हैं। जंकुक बिना टे से बात किए ही वहां से अपने रूम की ओर निकल जाता है। मिस्टर जियान, आपने मेरे दिल में ये फीलिंग्स जगाई हैं और अब यही फीलिंग्स मैं आपके दिल में जगाऊंगी, प्रॉमिस। शुगा, इस वक्त जिमिन अपने घर से बाहर है, तो मैं चाहता हूँ कि उसकी जिम्मेदारी तुम उठाओ। वो जहाँ भी जाए, जहाँ भी हो, तुम उसके साथ रहो, ठीक है? ओके, आई कॉल यू लेटर। मिस्टर जियान, क्या मैं अंदर आऊँ? टाई, इस वक्त तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, वो क्या है ना कि आपके लिए ये बनाना मिल्क शेक लाई थी, आपको पसंद है ना? देखो यहाँ से जाओ, और तुम जो करना चाहते हो ना वो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना? मैं जानती हूँ कि मैं जो करना चाहती हूँ वो बिल्कुल नहीं होगा, पर जो आप मेरे साथ करना चाहते हो ना, मैं वो होने देना चाहती हूँ, प्लीज। प्लीज मेरा हाथ छोड़िए, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब पता चला मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ? अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो तुम्हारी हड्डियां नहीं बचेंगी। प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। आउच, इतनी जोर से कौन पकड़ता है? आपको दिमाग है क्या नहीं? अगर कोई लड़की अपने प्यार का इजहार कर रही है आपके सामने तो उसके लिए प्यार दो ना कि उसको हट करो। आप बहुत ज्यादा बेकार हो सच में। क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारी उम्र की मेरी बेटी है? मैं जानती हूँ कि वो आपकी बेटी नहीं है, ठीक है ना? और क्या क्या जानते हो तुम? ये भी जानते हो कि जिस औरत से आपने शादी की थी ना, उसने आपको एक बार भी अपना होने नहीं दिया। एक बार भी आप किसी भी लड़की के साथ फिजिकल नहीं हुए हो, किसी के भी बॉडी को टच तक नहीं किया। क्यों? बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए, क्यों नहीं किया? हाँ, वो तो आपकी वाइफ थी। मिस्टर जॉन, सच बताना कि आपका ही हार्ट नहीं होता है क्या? चाहे स्टॉप इट और जाओ अपने रूम में। ओ कम ऑन बेब, यू नो व्हाट, कि मैं जानती हूँ कि आपको भी फीलिंग्स आती हैं, बट वो क्या है कि माफिया वाले टाइप से आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लेते हो। प्लीज़ अपनी फीलिंग्स को ओपन करो मेरे सामने, प्लीज़। टाई, आपने मुझे थप्पड़ मारा, यही डिजर्व करती हो तुम मुझसे। आप बहुत ज़्यादा बुरे हो मिस्टर जॉन, आप बहुत बुरे हो। I hate you. मैं जा रही हूँ अपने घर। आइंदा से आपकी बेटी आपके पास कभी नहीं आऊंगी मैं। तो जाओ, किसने रोका है? आइंदा से अपना मुंह मत दिखाना मेरे सामने। I hate you. I hate you, Mr. John. In the next morning, जंकुक डे को बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट करके उसे अपने घर से निकाल देता है। ये बात जिमिन को नहीं पता चलती और ना ही इसके बारे में जंकुक जिमिन को कुछ कहता है। मॉम डैड, आप आ गए? हाँ बेटा, हम तो सिर्फ शादी में गए थे ना, आना तो था ही। वैसे तुम ठीक तो थे ना? जिमिन यहाँ पर आई थी क्या तुम्हारे साथ रहने के लिए? वो सब छोड़िए मॉम डैड, आइंदा से मत जाएगा, वरना मैं भी आऊँगी। बेटा, हम तो तुम्हें लेकर जाने वाले थे, तुम्हारे एग्जाम थे ना इस वजह से। वो मुझे पता है, मेरे एग्जाम खत्म हो चुके हैं मॉम डैड, अब मैं आप ही के साथ रहूंगी। ओके मिस्टर किमनामजन, हमने उस खुफिया माफिया के बारे में काफी अच्छे तरीके से डिटेल्स निकाली है, आप एक बार इन फाइलों को चेक कर लीजिए, कहां कहां उसने अपने रैकेट्स चलाए हैं और किन किन लोगों को काफी बुरी तरीके से मारा है। हम बस उसकी तरफ जा ही रहे हैं अपनी टीम को लेकर। ऑफकोर्स, इसमें पूछने की क्या बात है, जाओ। और हाँ, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। मॉम, मैं अभी आती हूँ, इसे क्या हो गया?
आप तो जानते हो ना कि आप जब भी ऐसी बातें निकालते हो मरने मारने की तो वो डर जाती है, इसलिए अपने रूम में चली गई। ठीक है सुबेन, अगर हो गया होगा तो तुम्हारे इस ऑफिसर्स को आराम से खाना खाने दो। ठीक है। ऑलराइट मैम। उनकी जान खतरे में है। ओह नो, ये फोन भी नहीं उठा रहे। इतनी नफरत है मुझसे, दुनिया भर की नफरत। इतनी नफरत कौन करता है? मैं क्या करूं? जिमिन को नहीं, मुझे कुछ करना होगा। दौड़ते हुए जंकू के घर में जाती है उसे सारी सच्चाई बताने के लिए, पर जब वो उसके रूम में जाती है तब जंकू क्या करे? प्लीज इट्स हार्ट बेब, आई लव यू जंकू, आई रियली लव यू। सॉरी, मैं तो बस जंकुक बेबी। कौन है ये लड़की? ये मेरी बेटी की बेस्ट फ्रेंड है। क्या काम है ये बताओ? मैं आपको बताने वाली थी कि मेरे डैड को आपके बारे में पता चल गया, इस वजह से मैं आपको सावधान करने के लिए आई थी। मैं जा रही हूँ ऐसे। व्हाट? एक मिनट। हेलो शुगा, हमारे आदमियों को वहां से हटा दो, ठीक है ना? जल्दी। आज के बाद उन्हें मैं कभी ना नजर आऊंगी, कभी नहीं। आई हेट, मैं क्यों उनसे प्यार करने लगी? आई हेट मायसेल्फ, आई हेट यू मिस्टर जॉन। बिल्कुल सही कहा आपने, आप तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। ना मैं आपको फोन करते हुए देख रही थी, अच्छा लगा मुझे आपको मर्डर करते हुए देखकर। सच में आप कहाँ पे हैंडसम दिखते हो। शिट शिट शिट, अच्छे खासे हमने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे, बस वहाँ पर जाने की देरी थी। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तुम जानते हो जिन, हमने सब कुछ रेडी कर लिया था। इन मौके में किसी ने उससे खबर कर दिया और वो लोग वहाँ से गायब हो गए। सच में मेरे हाथ से इतना बड़ा मौका चला गया। हेलो मिस्टर किम नामचुन, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? मिस्टर पारबुगम, आप तो वही काफ़ी मशहूर बिजनेसमैन हो ना? या राइट, आपने सही कहा, मैं वही मशहूर बिजनेसमैन हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इस कमिश्नर के घर में क्या कर रहे हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, एक्चुअली कहने की सीधी सी बात है, मैं सिंगल हूँ और एक काफ़ी ज़्यादा ईमानदार इंसान हूँ। मुझे डैड वो कहने कि मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ। जिमिन के घर में? नहीं, जिमिन के घर नहीं जा रही हूँ। क्या बात है? हाँ मॉम, मैं जा रही हूँ, बाय। हाँ तो आप कुछ बोल रहे थे। हाँ भाई, आपकी बेटी सच में काफ़ी बड़ी है। हाँ उसके एग्ज़ाम भी हो चुके हैं फाइनल ईयर के, और अब मैं उसके लिए लड़का देखने की तलाश में हूँ। अच्छा लड़का मिल जाए तो इसकी शादी करवा दूँगा। मे भी एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाएं। क्या? आंटी फिक्र ना कीजिए, आपके हस्बैंड जानते मेरी काबिलियत के बारे में। क्यों मिस्टर किम नामचुन, या काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हो तुम तो। बाय द वे, मैं तुम्हारे बारे में पहले जानकारी निकालना चाहता हूँ। अब कमिश्नर का जवाई बनने जा रहा हूँ तो जानकारी तो आगे भी निकल ही सकती है, और मैं थोड़ी ना अपना पैर कुएं में डालूंगा। क्यों? ये भी बात सही है, तो ठीक है मैं अपने बेटे से एक बार पूछ लेता हूँ। ठीक है ऑफ कोर्स। सच में बच गए बताए, वरना हमारा सारा भांडा फूट जाता। वैसे इतनी बड़ी बात तुम्हें पता कैसे चली जंकुक? ये टे ने बताया मुझे। क्या मतलब, कमिश्नर की बेटी ने खुद तुझे बताया है? वाओ जिमिन, आ गए तुम या डैड? चलो आयु हम चलते हैं। हेलो अंकल, माय नेम इज आयु। हाय जिमिन, टाई नहीं आई तुम्हारी फ्रेंड? डैड आप नहीं जानते, वो बहुत ज्यादा घमंडी हो चुकी है पता है, एक बार भी बात नहीं करती, इस वजह से मैंने उससे हमारी फ्रेंडशिप तोड़ डाली। तुमने पूछा नहीं उससे कि क्यों नहीं बात कर रही है वो तुमसे? मैं नहीं पूछूंगी, मैं क्यों पूछूं? हाँ और आप तो यही चाहते थे कि वो मुझसे दूर हो जाए, तो हो गई। चलो आयु हम चलते हैं। ओके चलो।
ओ जोंगकुक, जैसा तुम चाहते थे वैसा ही हो गया। ओके, बाय द वे, मैंने जिमिन का काफ़ी अच्छे तरीके से ख्याल रखा है। ऑलराइट। ओके, मुझे ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है अब। जब से मैं वहाँ पर गई ऐसा लग रहा है कि मेरी इंसल्ट बहुत ज़्यादा हुई। और अब तो मैं जिमिन से भी बात नहीं कर रही हूँ, वो भी मुझसे दूर हो गई। हे टाई, व्हाट्स अप, यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? जी, ओ आई एम सॉरी, एक्चुअली क्या है ना कि मैं सुबह तुम्हारे डैड से मिला हूँ। तो क्या मतलब, एक्चुअली बात ऐसी कि तुम्हारे डैड से मैंने तुम्हारी शादी की बात की है और तुम्हारे डैड ने हाँ कर दी है। सकते हैं? और मुझे नहीं करनी है आपसे शादी, आप हो कौन? टाई, सारा डिसीजन सिर्फ तुम्हारे ऊपर है कि तुम उनसे शादी करोगे या फिर नहीं। बाय द वे, अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम है तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं फोर्स नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ। पारबुगम और टेयंग को बात करते हुए जंगकुक देख लेता है। व्हाट द हेल, ये तो वही है जिसे मैं खत्म करने वाला हूँ। इसने तो अपने ग्रेड हाउस में काफी लड़कियों के साथ गलत किया है, ये टेक के पीछे क्या कर रहा है? नहीं, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज। ऑलराइट, फ्रेंडशिप तो करूँगी ना। ओके, ठीक है, तो आप मेरे दोस्त, और वैसे भी आपको पता है मेरा कोई दोस्त नहीं है, जो दोस्त थी वो भी चली गई किसी और के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए, मैं तो अकेली हूँ। ओ इट्स ओके, मैं हूँ ना तुम्हारा दोस्त, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है? ऐसे यहाँ पर नहीं रहते। ओके चलो, वेट, रुक जाओ, कहाँ पर जा रही हो? रे मिस्टर जियान, आपसे मतलब, आप हटिए और अपना काम कीजिए, ठीक है ना? चलो मेरे साथ, आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो, मैं आपके साथ आऊँ क्यों? हाँ, मेरा हाथ छोड़िए। चलो, वरना मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक होगा तुम्हारे लिए। टाई, कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताओ। नहीं मिस्टर पार्कबुगम, वो क्या है ना कि अंकल मुझे अपनी दोस्त से मिलाने के लिए लेकर जा रहे हैं, तो मैं तुम्हें शाम को मिलती हूँ, ठीक है? बाय। ओके। जंगकुक बहुत ज्यादा गुस्सा था, वो डे को अपनी कार में बिठा कर अपने गेस्ट हाउस में लेकर आता है उसे। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों लाया है? हाँ क्यों लाया है, मुझे जल्दी बताइए। तुमने मेरे बारे में इतनी ज्यादा रिसर्च की है, जरा सा उसके बारे में रिसर्च करती तो कुछ बिगड़ जाता तुम्हारा। हाँ, तुम नहीं जानती कि वो एक नंबर का घटिया इंसान है, उसने तुम जैसी लड़कियों को अपने अपार्टमेंट में रख कर रखा है और हमेशा उनके साथ सेक्स करता है। क्या तुम भी यही चाहती हो? क्या, मुझे नहीं पता था, अब पता चल गया। हाँ तो जो भी हो, आप कौन सी दूध के धुले हुए हो? हाँ, आप भी तो अपने घर में लड़कियों को घुसा कर उनके साथ गलत काम करते हो, उसमें उनकी मर्जी रहती है, जबरदस्ती से किसी को भी मैं टच नहीं करता हूँ। इसका मतलब जो भी लड़की आपके साथ सेक्स करना चाहेंगी उसके साथ आप कर लोगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता किसी में भी नहीं। आप अपना देखिए, मुझे मेरी जिंदगी खुद देखने दीजिए। और हाँ, अब मैं करूंगी मिस्टर पारबुगम के साथ शादी, अब चाहे वो कितनी भी लड़कियों के साथ कुछ भी करते रहे, ठीक है ना? What do you mean शादी, क्या बात कर रही हो तुम? हाँ, डैड ने उसे मेरे लिए चूज किया है। जंगकुक, देखिए मुझसे इस तरीके की बातें सुनकर वो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और टेक को बहुत बुरी तरीके से बाइट करने लगता है, उसकी लिप्स में, उसके नेक में, और भी बहुत बुरी तरीके से उसके पूरे बॉडी को क्रश करने लगता है। टे एक सेकेंड के लिए काफी ज्यादा साइलेंट थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आखिर जंगकुक करना क्या चाहता है। सभी गम अश्कों में मिस्टर जहान, छोड़िए, मेरा लिप्स, आप ही क्या कर रहे थे? हाँ, आपका दिमाग खराब है? आई एम सॉरी, वो एक्चुअली क्या सॉरी, आप सच में पागल हो, मुझे हर्ट हो रहा है बहुत बुरी तरीके से। आई एम सॉरी टाई, तुम्हें लगी क्या? आपने क्यों किया? मुझसे दूर रहिए और मुझे टच करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि मैं उन लड़कियों में से हूँ जो आपके साथ अपनी एक रात गुजारे? टाई, स्टॉप इट, मैं तुम्हें उन लड़कियों में से नहीं देखता हूँ, प्लीज। और मैं माफी मांग रहा हूँ ना तुमसे,
देखो वो जो भी हुआ था, जो भी तुमने देखा था, वो सिर्फ एक, मैं उस वक्त ड्रंक था यार, और हो गई गलती। आई एम सॉरी टाई, आई लव यू। आई नो कि मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ, बट ट्रस्ट मी, आई रियली लव यू। प्लीज, आई एम सॉरी। प्लीज तू रहिए मुझसे, मुझे आपका चेहरा भी नहीं देखना है अब। हे डे, लुक एट मी, आई लव यू सो मच। और मैं तुम्हारे साथ कोई रात नहीं बिताना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। प्लीज, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज डे, हटिए यहाँ से, मुझसे शादी करने का सोचेगा भी मत। डे वहाँ से निकल ही रही थी, पर जंगकुक उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता और अपनी ओर बहुत जोरों से खींचकर अपने बाहों में समेट लेता उसे। प्लीज, इट्स हर्ट, आप मुझे खा रहे हो ना कि बाइट कर रहे हो। आई नो, आई एम सॉरी ना ट्राई, प्लीज आई एम सॉरी। ये बच्चों जैसे हरकतें मत कीजिए मेरे साथ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मुझे। आई एम सॉरी ट्राई, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरे काम करता हूँ, मैं एक खुफिया माफिया हूँ। तुम जानते हो ना कि जिमिन को मैंने किस तरीके से हैंडल किया है। वो भले ही मेरी बेटी ना हो, पर मैं उसे अपनी बेटी से भी बढ़कर मानता हूँ। और देखो, जब उसे पता चलेगा कि मैं उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ हूँ, इस वजह से मैं तुमसे दूर रहता था। मेरी मेरी परेशानियों को समझने की कोशिश करो। तुम्हारे डैड एक काफी काफी बड़े ऑफिसर है, वो नहीं देंगे तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में। और मैं कभी बुराई के साथ नहीं हूँ, मैं हमेशा अच्छाई के साथ हूँ। मैं हमेशा बुराई को खत्म करना चाहता हूँ। एंड यू नो व्हाट, कि सिर्फ तुम ही वो लड़की हो जो मुझसे प्यार करती हो, सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। टाइम, आई लव यू, प्लीज डोंट गो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर प्लीज मत जाओ। टाइम, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। प्लीज, पर तुम मुझे मुझे छोड़कर मत जाना। वजह से वो उसकी सारी गलतियों को नजरअंदाज करके उसे माफ कर लेती है। बिकॉज ये कारण था कि जंगकुक हमेशा बुराई को हराने की कोशिश करता है। आप मुझसे प्रॉमिस करो, आप मुझसे दूर कभी नहीं जाऊंगी। आई प्रॉमिस टाइम, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। और उस पारभुगम से शादी करने का दूर दूर तक ख्याल अपने सर में मत लाना, ठीक है ना? ऑफकोर्स नहीं लाऊंगी। क्या कर रहे हैं आप, तुम्हें बाइट कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, इसे बाइट नहीं कहते, इसे खाना कहते हैं। आप मुझे खा रहे हो? हाँ, बिकॉज मैं भूखा जो हूँ। हाँ टाई, वो ओपन योर माउथ टाई, इट्स रियली गुड फीलिंग। प्लीज, ये बहुत वीक है, ये बहुत बड़ा है। ओह कम ऑन, माफिया की वाइफ बनने वाली हो तो इतना तो सहना ही पड़ेगा। जिमिन, मैं यहाँ पर सच में बोर हो चुकी हूँ, चलो ना कहीं और चलते हैं। ठीक है, चल मैं तुम्हें हमारे गेस्ट हाउस में लेकर जाती हूँ, वो मेरे डैड का है, पर मुझे लगता है इस वक्त वो ऑफिस में होंगे, तो चल। ऑफ कोर्स, चल ना तो फिर। मेरा मुंह दर्द कर रहा है मिस्टर जियान। नो, डोंट कॉल मी मिस्टर जियान, ठीक है ना? तो मैं क्या कहूँगी आपको? तुम मुझे क्या कहूँगी? मुझे क्या कहूँगी तुम? हम भी बोलो, हम भी। मुझे शर्म आ रही है। वैसे तुम्हें विदाउट कपड़ों में मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तुम्हारी ये मिल्क जैसी सॉफ्ट बॉडी सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे दूर जाऊँ ही ना। आप जानते हो, आप बहुत बुरे हो, आप मुझे बहुत हर्ट करते थे पहले, आप मुझे तो पसंद भी नहीं करते थे। आई हेट यू, आई लव यू, बट टाई कम ऑन प्लीज,
नो, इट्स माय फर्स्ट टाइम और मैं ये सब शादी के पहले नहीं करना चाहती हूँ। ओह कम ऑन यार, मैं तुमसे शादी तो करने वाला हूँ। प्लीज, इट्स सच अ हार्ड, प्लीज प्लीज प्लीज। पर मुझे ना, ओह कम ऑन, लेट्स गो। ओह गॉड, मैं बहुत लेट हो गई। जिमी, लुक एट, क्या तुम्हारे डैड की कार यहाँ पर है? ओ या, इसका मतलब डैड गेस्ट हाउस में है। आराम से, बहुत दर्द हो रहा है। पर ये बहुत ज्यादा हार्ड है। टाइ प्लीज, डोंट वरी, रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। तुम बहुत ज्यादा हार्ड फील कर रही हो मुझे। टाइ प्लीज रिलैक्स। ये बहुत ज्यादा हार्ड है और बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। मैं बहुत ज्यादा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज इसे निकालो। टाइ, दिस इज ओनली सेकेंड राउंड। और तुम कह रहे हो कि इतनी जल्दी निकाल दूं मैं? मुझे दर्द हो रहा है। ओके, तो तुम मेरे शोल्डर को जोर से काटो। पर क्यों, आपको तो दर्द होगा। इट्स ओके, कोई दर्द नहीं होगा। इससे तुम्हें फील और आराम बेटर लगेगा, ठीक है? और तुम अपना दर्द भूल जाओगी। प्लीज ओके। नहीं, ये आप बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहे हो। प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। टाइ, इट्स योर ब्लड। ये, इट्स ओके, इट्स योर फर्स्ट टाइम, सो ओके, जाओ तुम आराम करो, ठीक है? मुझे ना, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। लेट्स गो फास्ट, क्लीन हो जाओ। नहीं, मुझे नहीं होना है, कहीं भी क्लीन नहीं होना है, मुझे आप ही के साथ चिपके रहना है। ओ कम ऑन टाइ, देखो कितनी गंदी हो चुकी हो तुम, इतना सब कुछ गंदा फैला हुआ है यहाँ पर। अच्छा, अभी गंदी हो चुकी हूँ, है ना? नहीं टाइ, मतलब देखो ना, ये सब हम पहले फ्रेश हो जाते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद ऐसे चिपके रहेंगे। नहीं, पर मुझे नहीं होना है आपसे दूर। सोच लो, मैं थर्ड राउंड स्टार्ट कर लूँगा। नहीं, हाँ बहुत ज़्यादा खराब हो सच में। डैड, डैड कहाँ है? डैड, मुझे लगता है कि वो अपने रूम में होंगे। डैड, डैड, जिमी, जिमी, हाँ जिमी, जिमी लिसन, देखो डैड, आप और टाइ, तुम आप दोनों। जिमी देखो, मेरी बात सुनो, तुम शांत रहो। मेरे डैड के करीब जाने का तुम्हारा ये इरादा था? तुम कितनी घटिया दोस्त हो सच में। और डैड, आई हेट यू, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। आई हेट यू डैड। जिमी लिसन, मेरी बात सुनो, मुझे किसी की बात नहीं सुननी, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैं जा रही हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अपने से बड़े इंसान के साथ इस तरीके की घटिया चीज करी थी? मॉम, वो मुझसे इतने भी बड़े नहीं है, वो डैड की उम्र के नहीं है। और पहली बात है कि उनकी शादी नहीं हो चुकी है, और शादी हुई भी है ना, तो वो कभी भी अपनी वाइफ के साथ फिजिकल नहीं है, और ना ही जिमिन उनकी उनकी बेटी है। अपने मुँह को संभालो टाइ, तुम जानते हो कि वही इंसान पता है माफिया है, और तुमने ये बात हमसे छुपाई। ये तो भला हो बुगम का, जिसने हमें सब कुछ बता दिया। और इसमें क्या, मैं क्या कहूँ, आई एम सॉरी, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता था। जल्दी ही उस माफिया को हमारी पुलिस अरेस्ट कर लेंगी, और फिर उसके बाद में तुम्हारी शादी इस बुगम के साथ करवा दूंगा। दिस इज माई लास्ट, ओके? आइंदा से अगर तुमने मेरी जबान को टाला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा सच में। डैड, डैड मेरी बात सुनिए, उन्होंने कुछ नहीं किया है। थोड़ी देर के बाद जंगो के घर में सारी पुलिस फोर्स पहुंच जाती है। वो सारे लोग जंगो के घर को घेर लेते हैं और जंगो को अरेस्ट कर लेते हैं। ये जिमिन देख रही थी, उसे सब कुछ पता चल जाता है कि उसके डैड एक खुफिया माफिया है, और साथ में शुगा को भी अरेस्ट किया जाता है।
शुगा, तुम बहुत बुरी इंसान हो। आई हेट यू, आई डिडंट लव विद यू, यू नो व्हाट, कि तुम मेरे प्यार को डिजर्व नहीं करते। जीमिन, लिसन, आई नो कि मैंने तुमसे झूठ बोला, बट एक बार सुनो तो सही। आई कैंट ट्रस्ट यू, ऑलराइट? ट्राई, तुम्हें उससे शादी करनी होगी, वरना तुम्हारे डैड, तुम जानती हो ना, मैं नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज मैं उनके साथ फिजिकल हो चुकी हूँ मम्मा। वो मेरे काफ़ी करीब थे, हम बहुत बहुत बुरी तरीके से एक दूसरे के साथ थे मम्मा, आप इस बात को समझ लो। टाय, तुम जैसी औलाद से तो बेहतर कि कोई औलाद हुई ना, तुम्हारे डैड को तो अब सब कुछ पता चलेगा। और तुम रुक जाओ, तुम, आई डोंट केयर मॉम, आप मुझे मार डालो, पर मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है ना? जिमिन, तुम्हारे डैड और तुम्हारा लव जेल में है, और तुम यहाँ पर ऐसे खाली पेली बैठे हो। देखो मेरी बात सुनो। मैं क्या सुनूं? डैड ने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि वो टे से प्यार करते हैं, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इट्स ओके, और वैसे भी जिमिन, तू भी तो अपने से बड़े इंसान से प्यार करती है। शुगा, तुम दोनों का प्यार सच्चा है, क्या तुमने इस प्यार के बारे में कभी बताया तुम्हारे डैड को? नहीं ना, वैसे ही उसे भी डर लग रहा था। देखो, प्यार प्यार तो बस हो ही जाता है, इट्स ओके ना? जिमिन, उसके डैड ने काफ़ी बुरी तरीके से उसे मारा है, बहुत बुरी तरीके से उसकी हालत हो चुकी है, उसकी शादी फोर्सफुली एक ऐसे इंसान के साथ करवाई जा रही है जो कि लड़कियों को सप्लाई करता है। क्या? हाँ, तुम्हारे डैड तो बस ऐसे इंसानों को बस रास्ते मिलाते हैं, और कुछ नहीं करते तुम्हारे डैड, ये बहुत अच्छे वाले माफिया हैं। और तुम तो ये भी नहीं जानते होंगे कि शायद वो तुम्हारे डैड भी नहीं है। ये क्या कह रही हो आयो तुम? मैं सच कह रही हूँ जिमिन, तुम्हारे डैड स्टेप फादर है यूर, और तुम्हारी मॉम ने जब तुम्हें पैदा किया था ना, वो एक ड्रग डीलर थी, उनकी डेथ के बाद सारी जिम्मेदारी तुम्हारी उन्होंने खुद पर उठा ली, तुम्हारा हमेशा ख्याल रखते थे, तुम्हारे हर उस छोटी से छोटी चीज़ को उन्होंने पूरा किया होगा, वो तो तुम अच्छे से जानती हो, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कितनी अच्छी है तुम्हारे लिए। और तब भी तुम्हें यही लगता है कि अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो ये गलत है? ये गलत, पर वो मेरे डैड है यार, जो भी हो, अगर वो मेरे डैड से शादी करेंगी तो वो मेरी मॉम हो जाएंगी, तो क्या, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज़ कुछ कर, उन दोनों को बचा ले। और राइट, मैं अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती हूँ, ओके? हाँ ठीक है, कर जल्दी। हेलो जी, हो कहाँ पर हो तुम? जल्दी से आओ, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। टाई, अब अपनी नौटंकी करना बंद कर दो, और हाँ कर दो इस शादी के लिए। नहीं, मैं अपनी आखिरी सांस तक उनसे ही प्यार करूँगी, वो मेरे लिए सब कुछ है। तुम ऐसे नहीं मानोगी टे, इस लड़की को तो मैं ज़बरदस्ती उस बुगम के साथ शादी करवाऊँगा, चलो जी यहाँ से। जॉब, जो कि एक प्रोफेशनल लॉयर था, वो काफ़ी केस बड़े बड़े हैंडल कर चुका है और काफ़ी केस जीत चुका है, और वो आयु का बॉयफ्रेंड है, और वो शुगा और जंगू के केस को लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। काफ़ी घंटों की मशक्कत के बाद कोर्ट का फैसला जंगू और शुगा की ओर से निकलता है, क्योंकि उन दोनों के खिलाफ कोई भी सबूत ठोस थे ही नहीं। थैंक यू सो मच यार, इट्स ओके, ये तो मेरा फर्ज था बिकॉज ऑफ आयु के लिए, वो मेरी जीएफ है। अब तुम दोनों का केस हैंडल कर दिया, अब इसके डैड और मॉम का केस हैंडल करना पड़ेगा, जो कि अभी भी हॉस्पिटल में है। ओ शट अप यार, तुम भी ना। आई एम सॉरी डैड, इट्स ओके, आई एम सॉरी टू यू। मैंने नहीं बताया कि मैं टे से प्यार करता हूँ, बिकॉज आई नो टे भी आपसे बहुत प्यार करती है, आप नहीं जानते कि वो कैसी हालत में है, हमें जल्दी से नहीं क्या उसकी और उस बुगम की शादी रोकनी होगी डैड, चलो। ओके जिमिन, डैड वो कहने कि मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। वो मैं ना एक्चुअली जंगू, वो कहने कि मुझे तुम दोनों कुछ कहना चाहते हो मुझसे? हाँ, वो कहने कि इन दोनों का ना एक्चुअली अंकल, बात ऐसी है कि जिमिन और शुगा ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या? शुगा, आई एम सॉरी,
वो कहने की कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। डैड प्लीज। ओके पहले टी को वहां से निकालना होगा। उसकी तो ये मैरिज सर्टिफिकेट है, जल्दी से साइन करो। मुझे नहीं करना है डैड, आप मुझे इससे अच्छा मार डालो। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, पर मैं एक ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती हूँ जो कि एक एक क्या हुआ टाय? ये बेहोश क्यों हो गई? डॉक्टर को बुला। टाय होश में आओ। ओ शिट, इससे भी अभी बेहोश होना था। घबराने की बात तो है, लड़की ने काफी दिनों से खाना नहीं खाया है। क्यों आप लोग ध्यान नहीं देते? और दूसरी बात है कि ये प्रेग्नेंट है। कांग्रेचुलेशन। क्या टाइम प्रेग्नेंट है? तो ये बात है, इस बच्चे को गिराना होगा हमें। ये क्या बात कर रहे हो तुम भूगम? एक मासूम सी जान की हत्या करने के लिए तुम ऐसे कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? ये हत्या नहीं है अंकल आंटी, ये किसी और का बाप अपने पेट में लेकर घूम रही है। इट्स रॉन्ग। और अगर मैं इससे शादी करूंगा तो मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो कि किसी और का हो। ओके? और आप तो शुक्र मानो कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी कर रहा हूँ जो कि किसी और के साथ। भूगम बस बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। मुझे अब मैं अपनी बेटी की शादी तुम जैसे इंसान से नहीं कर पाऊंगी। देखो अब तुम देखो मिस्टर पारभूगम। हेलो माय नेम मिस जिहोप और मैं एक प्रोफेशनल। अब मैं क्या हूँ मैं भूल गया। अब छोड़ो भी, मेरा नाम है जब और मैं एक लॉयर हूँ। और हाँ मैंने काफ़ी ज़्यादा केस लड़े हैं और मैंने इसकी डिटेल्स निकाले तो मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक लगा। ये अपने रेड हाउस में लड़कियों को सप्लाई करता है। 20 से भी ज़्यादा लड़कियों के साथ इसने दुष्कर्म किए हैं और काफ़ी काले धंधे इसके पीठ पीछे हैं। और सेकंड बात है कि मिस्टर किम नामजुन जो कि काफ़ी बड़े कमिश्नर होने के बावजूद भी उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में अंदाज़ा भी नहीं है और वो अपनी बेटी की ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं, राइट? देखो टाय, टाय को क्या हुआ? क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? हाँ नहीं हमने कुछ नहीं किया, वो प्रेग्नेंट है इस वजह से वो बेहोश है। क्या? और कॉन्ग्रेचुलेशन जिमिन, तुम्हारे भाई या फिर बहन आने वाले हैं। क्या कह रहे हो तुम? मैं तो बहुत खुश हूँ। वैसे ये शादी कैंसिल होकर आप अपनी बेटी की शादी मेरे डैड से करवाइएगा। पर और हाँ पुलिस ऑफिसर्स अरेस्ट, इस इंसान को अरेस्ट करो। देखो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अरे जाओ जाओ जेल में जाओ और वहाँ की हवा खाओ। थोड़ी देर के बाद पारभूगम को वहाँ से पुलिस लेकर जाते हैं। शंकू काफी ज्यादा खुश था कि अब उसका बच्चा आने वाला है। जंगुक इस बार तुम्हारे खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिले, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ऐसी काली हरकतें करो। तुम पुलिस ऑफिसर के साथ भी ये काम कर सकते हो। तुम बस उन गुंडों को पकड़ो जो भी काले काम करते हैं, उनकी डिटेल्स हमें दिया करो, हम तुम्हारी ऐसे मदद करेंगे और जिससे तुम्हारा नाम खराब नहीं होगा। और ऐसे इंसान से मैं अपनी बेटी के साथ शादी ज़रूर करवाऊँगा। अब तुम्हारे हाथों में है तुम्हारी ज़िंदगी। ऑफकोर्स सर मैं ऐसा ही करूंगा। और शुगा मैं भी। टाय होश आ गया तुम्हें? देखो मैं हूँ, मैं जंगुक। आप तो जेल में थे ना? हाँ मैं जेल में था। तुम जानते हो टाय एक्चुअली बात ऐसे कि जिम ने हमारी मदद की है और तुम प्रेग्नेंट हो। मैं प्रेग्नेंट हूँ। आई लव यू। आप मुझसे दूर मत जाइएगा टाय जिमिन। आई एम सॉरी मॉम। ओह गॉड तुम भी नहीं। शाब तुम शांत रहो। वो कहने की आई एम सॉरी, मैंने आप दोनों के प्यार को नहीं समझा, मुझे माफ़ कर दो। और तुम तो मुझसे ऐसे ही दूर चली गई थी ना? हाँ मैं जानती हूँ। I'm sorry. It's okay. अब मैं खुशी कि तुम दोनों की शादी होने वाली है और साथ में हम दोनों की भी। चलो आयो, हमने इन लोगों का तो केस हैंडल कर लिया, हमारे केस का क्या? तुम्हारी मम को जल्दी से होश में लाओ आयो, मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है। और राइट चलो घर चलते हैं। ओके okay.
कुछ दिनों के बाद जैसे कि जंगकुक और टेयंग की शादी हो जाती है। और साथ में जिमिन और शुगा की भी। जंगकुक, हम दोनों जा रहे हैं हनीमून के लिए, ठीक है? तो हम लोगों ने तो टिकट्स ले लिए, तुम्हारा कुछ प्लान है क्या? अरे नहीं नहीं, तुम तो जानते हो ना कि टेप प्रेग्नेंट है, तो मैं तो यहाँ वहाँ नहीं जा सकता हूँ। आई होप कि तुम्हारा जर्नी अच्छा हो। बाय डैड, मैं आपको और मॉम को बहुत मिस करूँगी। और एक मिनट मॉम, बाय। बाय, अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ बिल्कुल, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, बिकॉज ऑफ यू प्रेग्नेंट, ओके? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाओ और हाँ आराम से रहना। ओके बाय। शुगा चले? ऑफ कोर्स जिमिन, चलो। टाइ, हाँ वेट, तुम्हारे मॉम डैड कहीं जाने वाले थे ना? हाँ, वो हवाई घूमने के लिए जा रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वो आज की फ्लाइट से निकल जाएंगे। अच्छा, अच्छी बात है, सारे लोग अपने अपने मतलब घूमने के लिए जा रहे हैं ना। हाँ, आपको क्या लगता है, आपको भी जाना है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो यहीं पर खुश हूँ तुम्हारे साथ। हाँ तो आप बैठ जाए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। नहीं, मुझे ना तुम्हें खाना है। देखिए, नो वे, बिल्कुल नहीं। आप जानते हो ना कि आपका एक छुटकू मेरे पेट में है। आई नो मेरा छुटकू तुम्हारे पेट में है, पर तुम जानते हो ना कि मुझे ज़रा से भी कंट्रोल नहीं हो पाता मैं। प्लीज़, नो वे। ओके, मैं तुम्हारे साथ वो नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। आप जानते हो जब आप मुझे बाइट करते हो ना, बहुत बुरी तरीके से लगते हैं, इस वजह से बिल्कुल नहीं। नहीं कहा ना, देखिए प्लीज टाइ, प्लीज प्लीज, दिस इज लास्ट, प्लीज, फिर बेबी आने के बाद ही मैं तुम्हें टच करूंगा, प्लीज इज लास्ट। आप नहीं सुधरोगे सच में। कुछ सालों के बाद टाइको का बेबी बाहर आ जाता है। वो काफी खूबसूरत था और वो एक छोटा सा बेबी था, बेबी बॉय। जंगको का पुलिस फोर्स के लिए काम कर रहा था। नामजून इस बात से बहुत ज्यादा खुश था और साथ में जिन भी। और जहाँ तक जिनमिन और शुगा की बात है, वो लोग उस घर को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं अपनी प्राइवेसी के लिए। और अब जिमिन भी प्रेग्नेंट है और शुगा उसका काफ़ी अच्छे तरीके से ख्याल रखता है। आई होप कि आपको स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट, बाय।